शायद आपको आश्चर्य होगा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में निर्धन परिवार से संबंधित बुजुर्ग छोटा राम के साथ ऐसा भी अन्याय हो सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 12 वर्षों से राम अपनी भूमि को तकसीम यानी कि अन्य भूमि के हिस्सेदारों से विभाजित करने के प्रति राजस्व विभाग के चक्कर काट रहे हैं। मगर उनके निर्धनता उनके सामने आड़े आ रही है, क्योंकि जिन परिवारों से उनकी भूमि पूरी होगी वे धनाढ्य हैं और पहुंच वाले हैं, ऐसे उसकी कोई भी पुकार नहीं सुन रहा है। छोटा राम का कहना है कि जनमंच कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक अच्छी पहल शुरू की थी, मगर निर्धन लोगों की समस्याओं का निवारण उसमें भी नहीं हो पा रहा है। पीड़ित छोटा राम का कहना है कि 10 माह पूर्व उसने श्री नैना देवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के रानी कोटला में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में अपनी समस्या भी उठाई थी, जहां पर उससे संबंधित अधिकारियों ने मंत्री के सामने आश्वासन दिया था कि समस्या का निवारण मात्र 10 दिन के भीतर राजस्व विभाग कर देगा, मगर इसके विपरीत धरातल पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। पीड़ित छोटा राम को न्याय दिलवाने के प्रति युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आशीष ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि शीघ्र छोटा राम की समस्या को हल किया जाए। इसके अलावा तय किया जाए कि इतने लंबे अरसे तक छोटा राम की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हर साल की तरह इस बार भी शारदीय नवरात्रे के खास मौके पर दुर्गा पूजा समिति बिलासपुर के द्वारा आस्था के प्रतीक धौलरा मंदिर में माता के भजनों के साथ आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं आस्था के इस पर्व पर चेतना संस्था के विशेष बच्चों ने भी भाग लिया और मां दुर्गा के भजन गाकर मां के चरणों में शीश नवाजा। आपको बता दें कि धौलरा मंदिर में चल रहे शारदीय नवरात्रे पर्व पर भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसे देखने के लिए जिला बिलासपुर से आए श्रद्धालु यहां पहुंचे। तो साथ ही मां के भजनों पर भी जमकर थिरके। वहीं दुर्गा पूजा समिति द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नो प्लास्टिक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सपने को साकार करने के लिए कई कदम उठाए गए, इस बात की जानकारी देते हुए दुर्गा पूजा समिति की संयोजक एवं चेतना संस्था की जनरल सेक्रेटरी मल्लिका नड्डा ने बताया कि देश प्रदेश को प्लास्टिक से मुक्त करने के मकसद से इस नवरात्रि समिति द्वारा भंडारे के दौरान डिस्पोजल प्लेटों की बजाय हरे पत्तलों का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही रविवार को दुर्गा अष्टमी पूजा के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाने के लिए गरीब बस्तियों में रहने वाली कन्याओं का पूजन कर माँ का आशीर्वाद भी लिया गया। तीसरी प्रदेश स्तरीय मास्टर गेम्स 2019 प्रतियोगिता का आगाज 9 नवंबर से 11 नवंबर तक बिलासपुर के लूणू मैदान में किया जाएगा। इन खेलों के दौरान प्रदेश भर के 1000 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न खेलों में भाग लेंगे, जिनमें कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी पहुंचेंगे। ये जानकारी देते हुए एसोसिएशन के राज्य महासचिव तेजस्वी शर्मा ने बताया कि मास्टर गेम्स में विभिन्न प्रकार की 12 खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं, जिसमें एथलेटिक्स, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, वेटलिफ्टिंग, स्विमिंग, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, शूटिंग और बैडमिंटन शामिल हैं। सभी प्रतियोगिताएं 30 से 60 वर्ष तक के ग्रुप्स में करवाई जाएंगी। इसके अलावा 60 वर्ष से ऊपर की आयु के खिलाड़ी भी इसमें भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार की एथलेटिक्स प्रतियोगिता लूनू मैदान में बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक्स ट्रैक पर पहली बार आयोजित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाले राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में वही खिलाड़ी भाग ले पाएंगे जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।
इस बैठक में प्रदेश के सभी जिला के प्रधानों व सचिव सहित विभिन्न खेलों के कन्वीनरों ने भाग लिया, तो साथ ही बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव विनोद कुमार ने की।